मेरा ना प्रॉब्लम हो गया था C3 C5 का, और मैं हिल भी नहीं पा रही थी, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे भी नहीं, स्टिफ हो गई थी बिल्कुल। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तू नॉन वेज स्टार्ट कर, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन थी ना, तो नॉन वेज स्टार्ट कर थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तू हील नहीं होती। तो मुझे वो सूप पीना पड़ा बहुत देर के लिए, और मतलब मैं अंदर से रोई भी, मतलब इतनी देर छोड़ा, फिर से मुझे अपनी शायद हेल्थ के लिए। आप मुझे ये बताओ कि वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट क्या है? खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं होता है। हम कहते हैं ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, हम उसके न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। दूसरा होता है खाने के वाइब्रेशन। भारत की संस्कृति में हजारों साल से है, जैसा अन्न वैसा मन। मन आज वेस्ट में भी बोलते हैं यू आर वॉट यू ईट। तो नॉनवेज मतलब वाइब्रेशन ऑफ पेन। दूसरा, कर्मा वाइज भी अगर हम चेक करें कि अपने को टेस्ट देने के लिए या अपने को हेल्थ देने के लिए किसी को मरना पड़ेगा मेरे लिए, ये कौन सा कर्मा बना? ये कोई कर्मा नहीं बना। तो बाय एनी एंगल, वाइब्रेशनली नहीं, कर्मा वाइज नहीं, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, वो एनर्जी ऑफ डेथ है। नवरात्रों में क्यों सात्विक खाना खाते हैं? क्योंकि शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, डिविनिटी का आह्वान कर रहे हैं। तो उस 9 दिन में क्यों सात्विक खाते हैं? तो फिर क्या हमें डिवाइन शक्ति सिर्फ 9 दिन चाहिए? राइट तो जिस टाइम डिविनिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो वेजिटेरियन भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो मतलब पता है ना कि वो दूसरा भोजन तामसिक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो लोएस्ट एनर्जी खाने में आता है। नॉनवेज तो छोड़ो, किसी ने अगर परेशान स्थिति में भी खाना बनाया हो तो हमारे मन में परेशानी आ जाती है उसके बाद। इतना जैसा अन्न वैसा मन होता है। इसीलिए तो प्रसाद इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो भगवान की याद में बनता है, तो उसके अंदर एक बहुत लाइटनेस होती है, एक बहुत प्योरिटी होती है। तो अगर मन के टेंशन से भी किसी को टेंशन फील हो सकती है, उस खाने में तो दर्द है।